एक तरफ नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ कार्यवाही और कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं साल 2006 में रेलवे भर्ती पेपर लीक केस में गैंगस्टर कोर्ट विधायक बेदी राम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। यह बेदी राम जो खुद कभी रेलवे का TTI हुआ करता था। गैंगस्टर कोर्ट ने मामले में सुभाषपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 19 के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और आरोप तय करने के लिए 26 जुलाई की तारीख मुकरर की। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस को आदेश भी जारी किया जा चुका है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने रेलवे भर्ती पेपर लीक का बड़ा खुलासा किया था। STF के मुताबिक इस केस में बेदी राम को आरोपी नंबर 1 बताया गया था और विपुल दुबे को आरोपी नंबर 7, यानी पूरे मामले में बेदी राम प्रमुख आरोपी है और सरगना भी। बेदी राम और विपुल दुबे गैंग के खिलाफ पेपर लीक के 9 केस दर्ज है। साल 2006 में यूपी STF ने बेदी राम और उसके साथियों को सबूत के साथ गिरफ्तार भी किया था। बेदी राम मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है। राजनीति में आने से पहले वह रेलवे में TTI की नौकरी करता था। अब बेदी राम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर विधायक है। साल 2022 में गाजीपुर के जखनिया से विधानसभा चुनाव में MLA बना था। जखनिया अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। इस चुनाव में सुभाषपा का सपा से चुनावी गठबंधन था। तब बेदी राम ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी को करीब 36,000 वोटों से हरा दिया था। दलित बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में बेदी राम को 44.53% वोट मिले थे। हालांकि बाद सुभाषपा प्रमुख ने बाद में सपा से नाता तोड़कर भाजपा से गठबंधन कर लिया, लिहाजा सुभाषपा का अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में BJP से गठबंधन है। ये पहली बार नहीं है कि बेदी राम को जेल जाना पड़ेगा, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार जेल जा चुके हैं। साल 2014 से पहले उसे पेपर लीक के मामले में ही 2006, 2008, 2009 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। साल 2014 में बेदी राम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA भी लगा था। बेदी राम खुद रेलवे का TTI था और रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के पेपर में फर्जीवाड़ा कराने वाला गिरोह का सरगना के तौर पर गिरफ्तार भी हुआ था। साल 2014 में CPMT के पेपर लीक में शक की सुई बेदी राम के गिरोह पर गई थी। आगे चलकर RRB पेपर लीक में जब लखनऊ से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए तो शक और गहरा गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में उसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। CPMT की परीक्षा तब रद्द कर दी गई थी। अब गाजियाबाद के 2 बैंक इलाहाबाद बैंक और CBI में रखे बक्से टूटे मिले थे। 1993 में अवध यूनिवर्सिटी से BA कर चुका है। बेदी राम के बारे में बताया जाता है उसके संबंध नौकरशाहों से लेकर राजनीति के रसूखदारों से भी है। मार्च 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेदी राम का एक ठेकेदार से कहासुनी कैद थी। आरोप था कि उसने ठेकेदार से कमीशन मांगे थे। विधायक बेदी राम को पेपर लीक का सरगना माना जाता है। रेलवे भर्ती समेत वह कई बार पेपर लीक करवा चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर परीक्षा का भी पेपर लीक करवा चुके हैं। इस कांड में भी उसकी तलाश थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पेपर लीक करवा के उसने अकूत धन अर्जित कर रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मध्य प्रदेश के अलावा बेदी राम पर हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक करवाने का आरोप है। पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक तो NDA के लोग ही कराते हैं, जबकि बेदी राम ने खुद को बेकसूर बताया है और कहा कि STF ने उसे फंसाया है। बेदी राम का आरोप है कि राजनीति के तहत उनका नाम केस में डाला गया है। बेदी राम ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को पूरे मामले की सच्चाई बता दी है।